नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये एडवेंचर यूजीटी का जो 350, ये बिल्कुल आप गाड़ी सामने देखोगे, बिल्कुल कस्टमाइज्ड बाइक आपको यहाँ पे मिलेगा। बट ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड नहीं करता और आपको यहाँ पे एडिशनल में लगा सकते हैं। आज इस गाड़ी के बारे में डिटेल में रिव्यू करेंगे, क्या ऑन रोड प्राइस रहेगा, क्या माइलेज रहेगा और क्या क्या फीचर इस गाड़ी में है और आपको क्यों इस गाड़ी को परचेस करना है, सारे चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले क्या करते हैं ना, चाबी ऑन करते हैं। चाबी जैसे ऑन करेंगे ना, यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले, ये गजब का डिस्प्ले है भाई, ये देखिए कितना सुंदर दिखता है। बिल्कुल LCD यहाँ पे डिस्प्ले मिल रहा है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे टाइमिंग दिखाई देगा और कितना किलोमीटर गाड़ी रन किया है, गियर बॉक्स दिखाई देगा और इसके ऊपर आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 जो इस साइड में सारे बटन क्या है ये दिखे। और सामने वहाँ पे देख पा रहे होंगे सारे चेंजेस यहाँ पे आप कर सकते हैं। और ये जो 4 बटन इस साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, ये सारे चीज़ें आपको, ये आप सेटिंग्स वगैरह ये वाला स्क्रीन में आप कर सकते हैं। ब्लूटूथ वाले भी फैसिलिटी इसमें है, अगर आप यहाँ पे भी गाड़ी का अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करके ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऊपर आपको न्यूट्रल और ABS और तेल वाला फिल वाला जो इंडिकेटर, ये तीनों आपको ऊपर देखने को मिलेगा। और सामने यहाँ पर आपको बिल्कुल USB पोर्ट देखो कितना बड़ा सा भी दिया गया है और बिल्कुल आपको क्लच के पास ही आप दिया गया है। और यहाँ पर आपको कोई एक जो मोबाइल वाला कैचर लगा दीजिए यहाँ पर और यहाँ से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ये एक अच्छा फीचर मेरे को लगा। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में अगर आज यूल एज यूजल आपको लेफ्ट ये टर्निंग लाइट वाला मिल जाएगा और ऊपर आप आएंगे तो ये आपको पास लाइट वाला, मेरे की तरफ करेंगे तो हाई बीम और लो बीम और नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये पास लाइट का काम करता है। जैसे आप राइट हैंड साइड में चलेंगे तो ये आपको इंजन किलिंग का बटन मिल रहा है और हजार्ड वाला बटन का स्विच ये मिल रहा है और नीचे आपको पावर स्टार्ट वाला मिल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है ना भाई, ये आपको देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल कवर वाली क्लच के ऊपर कवर बिल्कुल किया गया है, मैं आगे से दिखा रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल आप कवर करके दिया गया। ये विंड सीटर आप देखो कितना बड़ा सा आपको यहाँ पे विंड सीटर मिल रहा है, क्योंकि अगर एडवेंचर के लिए लेके जा रहे हैं दूर के रास्ते में चलेंगे तो हवा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए यहाँ पे एक बड़ा सा विंड सीटर भी दिया गया। दोनों साइड से आपको मिलेगा, ये ब्रेक के ऊपर कवर मिलेगा और इस साइड में आपको क्लच के ऊपर आपको कवर मिलेगा। सामने से आप देखेंगे तो गाड़ी आपको कुछ इस तरीका सा दिखाई देगा। आप तो इसके ऊपर ये आप देख पा रहे होंगे एक मेटल का कवर दिया गया, ये आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं करता, जैसे कि ये कोई कस्टमर ने ऑर्डर किया है तो इसलिए यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ किया गया है। हेडलैम्प आपको यहाँ पे स्प्लिट वाली मिलेगा, नीचे आपको DRL लाइट मिलेगा, दोनों जो इंडिकेटर या कह सकते हैं आपको हजार लाइट दोनों आपको LED का मिलेगा, ये भी आपको LED का मिलेगा। मैं आपको एक बार चाबी ऑन अप करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप चाबी ऑफ कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये चाबी ऑन करते ही यहाँ पे आपको DRL लाइट मिल जाएगा। और आगे से आएंगे तो ऊपर से एक बिल्कुल एडवेंचर वाली फीलिंग आप देख पा रहे हो, ये ऊपर से एक मड़गा भी यूज किया गया और यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी दिया गया और इसके ऊपर ये कवर दिया गया, क्योंकि धूल मिट्टी अगर कहीं यहाँ पर रोड पर खराब रोड पर लेके चलेंगे ना तो सकप्तर के अंदर धूल मिट्टी जाने का चांसेस बहुत रहता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको कवर भी मिल रहा है। सबसे गाड़ी का अगर बात करेंगे, चलिए मैं आपको ये गाड़ी का बताते हैं, चलिए इसके अगर टायर के ऊपर बात कर देते हैं, टायर आपको C8 का दे रहा है और ट्यूबलेस टायर मिल रहा है और आपको ये 90/90 की आपको बिल्कुल ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। अगर बात करेंगे यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम की, आगे वाला ABS मिल रहा है, पीछे वाला भी ABS मिल रहा है। सामने भी अगर ABS की साइज़ पूछेंगे तो 320mm की यहाँ पे भी बड़ी सी ABS मिल रहा है और सामने भी साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको एक रिफ्लेक्टर मिल रहा है और उस साइड से भी एक और रिफ्लेक्टर मिल रहा है। मैं आपको इस साइड से लेकर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस साइड से भी एक रिफ्लेक्टर मिल रहा है और आपको इसका यहाँ पे आपको कोई जो पतले स्कोप होता है ना भाई, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। मैं आपको ये देखें जो पुराने वाले गाड़ी में जो यूज़ किया जाता था तो सेम चीज़ मिलेगा, जैसे आप आजकल मोटे स्कोप मिलता है तो ये वाले एडवेंचर गाड़ी में आपको ये नहीं मिलेगा। बाकी चलते हैं अगर पीछे की बात करेंगे, पीछे वाले टायर की मैं आपको बता देता हूँ, पीछे वाला टायर आपको सेम चीज़ आपको 130/80 की आपको मिल रहा है और ये C8 की मिल रहा है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, यहाँ पर आपको ABS मिल रहा है और 240mm की यहाँ पर ABS मिल रहा है। इंजन देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक बॉडी मिलेगा भाई, ये मेरे को पसंद आया। आप यहाँ से दूर से मैं करके दिखा रहा हूँ, एक बार देखिए गाड़ी का जो इंजन वाले साइड का पोर्शन ना बहुत ही अट्रैक्टिव कर रखा है और यहाँ पे अभी इस वाले पोर्शन में एडवेंचर करके बैचिंग किया गया है और ये थोड़ा डार्क टाइप का बनाया गया, जैसे आपको ये ब्लैक बॉडी के साथ मिल रहा है। इस गाड़ी का जो इंजन आपको का पावरफुल इंजन मिल रहा है और इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 334 cc की आपको इंजन मिल रहा है। बात कर और इसका अगर पावर की बात करेंगे, पावर भाई इसका बहुत ही तगड़ी है,
30.30 PS की यहाँ पे पावर जनरेट करता है। अगर टॉर्क की बात करेंगे 29.84 न्यूटन मीटर की यहाँ पे आपको टॉर्क जनरेट करता है। और फोर स्ट्रोक वाली इंजन मिलेगा और 6 गियर बॉक्स वाली आपको गियर मिल रहा है भाई, एक आगे 5 ऊपर की तरफ। अगर सबसे बड़ी बात क्या है ना, आगे से अगर आप दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए बिल्कुल आपको यहाँ पे कब इंजन कवर कर सकते हैं या जो इंजन गार्ड है ये आपको बिल्कुल मेटल का मिलेगा। जैसे आप मैं ये देखो आवाज़ सुन पा रहे होंगे और बिल्कुल हार्ड मेटल यूज किया। अगर कितने भी पत्थर कुछ भी लगे ना भाई इंजन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे को मेरे को लग रहा है। बाकी अगर किसी भाई के पास होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर यहाँ का अगर ग्राउंड क्लियरेंस पूछेंगे तो भाई इसका ग्राउंड के लाजवाब 220 mm की यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। आपको सिंगल स्टैंड यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे अगर कोई मेन स्टैंड वगैरह चीज़ें आपको है ही नहीं। अगर आपको यहाँ पे राइडर वाला फुटरेस्ट और पिलियन वाला फुटरेस्ट ये भी आपको बिल्कुल एडवेंचर टाइप की बनाएगा। ये देखिए आप, ये आपको फ्लेक्सिबल मिलेगा और ये आपको फोल्डेबल मिलेगा। जो पिलियन वाला है ये आपको फोल्डेबल मिलेगा और ये चेन कवर है नीचे से आपको नेकेट मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई कवर नहीं है, ऊपर से जस्ट आपको ये कवर किया गया है। इसके बॉडी ग्राफिक्स के और सबसे ऊपर आता है इसका टैंक पैड और टैंक पैड यहाँ पे आप देख पा रहे हो, टैंक पैड यहाँ पर लगाया गया है और आपको ये क्रोम कलर का फिनिशिंग देखने को मिलेगा। पीछे वाले हिस्से के पीछे वाले आपको सारे आपको एलईडी भी मिल रहा है। यहाँ पर पीछे टेल लाइट भी एलईडी का मिलेगा, दोनों हजार लाइट भी आपको एलईडी का मिलेगा और यहाँ पे भी आपको जो आपको रिफ्लेक्टर मिल रहा है। और इसके पीछे आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोनों छोटे छोटे लाइट दिया गया जो आपको यहाँ पे नंबर प्लेट लगाएंगे तो यहाँ पे देखने के लिए थोड़ा इजी होता है। चीज़ें आपको हार्ड फाइबर यूज किया गया है, जैसे कि मैं आपको ये देखिए थोड़ा आवाज़ आता है ऊपर वाले पिक्चर में, यहाँ पे भी आपको हार्ड फाइबर यूज किया गया। और यहाँ पे दोनों साइड से आपको यहाँ पे देख पा रहा हूँ कितना बड़ा खाली स्पेस दिया गया। जैसे आपको कोई अगर कीचड़ पिचड़ रोड पर लेके जाएंगे तो गाड़ी का कोई स्टक होने का कोई चांसेस नहीं है। एडवेंचर 350 का ना भाई, इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ना आज के डेट पर हर बंदे को क्यूरियोसिटी सुनाते हैं। और आप ये सारे जो चीज़ें आपको कस्टमाइज़ किया गया है, बट यहाँ पे आपको कंपनी के साइड से कोई चीज़ें मिलता नहीं। बाकी अगर ये सारे चीज़ें आपको लगाएंगे तो यहाँ के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट पे करना पड़ेगा। जैसे आप ये सारे चीज़ें एडवेंचर के लिए जाएंगे ना तो यहाँ पे सारे चीज़ें आपको बांध के, जैसे टेंट वगैरह हो गया या बाकी बैग वगैरह, ये दोनों साइड से आपको बांध के आपको लेके जा सकते हैं। बात करते हैं इस गाड़ी की सीट की। सीट आपको यहाँ पे आपको ड्यूअल सीट मिलेगा और ये स्प्लिट सीट मिलेगा, ये और ये राइडर का हो गया, ये आपको पिलियन वाला मिल जाता है। दोनों आपको यहाँ पे कुशनिंग की बात करेंगे तो दोनों बहुत ही सॉफ्ट टाइप का बनाया गया है। बाकी अगर आप किसी भी कितना भी दूर आप गाड़ी को लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा किया गया है। जैसे आप ये अंदर में आपको लेकर थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये देखो 10 स्टेप वाली आपको यहाँ पे मोनोसकर मिल जाएगा जो आपको राइडर के जस्ट नीचे आपको ये देखिए। जैसे आप राइडर यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ पे जस्ट नीचे आपको ये मोनोसकर मिल जाएगा। जैसे कि आप गाड़ी बहुत लॉन्ग रन के लिए लेके जाएंगे तो पीछे वाले पोर्शन में कोई आपको जर्क टाइप का फील नहीं होगा, जैसे कि कंपनी क्लेम करता है। मेन मुद्दे के बात करते हैं, इस गाड़ी का प्राइस क्या है, किन किन कलर में मिलता है और इसका माइलेज क्या रहेगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये जो गाड़ी है ना आपको तीन कलर में मिलता है, एक ब्लैक और एक वाइट और ये एक सिल्वर कलर का, तीन कलर का। अगर बात करेंगे इसके प्राइस की, प्राइस आपको 2.71 lakhs में आपको कोलकाता में ऑन रोड मिल जाएगा। बाकी डिफरेंट स्टेट में प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर बात करेंगे माइलेज की, ये गाड़ी आपको 30 से लेकर 32 तक का आपको सिटी और हाईवे में मिल जाता है। बात करते हैं इस गाड़ी के टॉप स्पीड, ये टॉप स्पीड अगर पूछेंगे तो भाई इसका टॉप स्पीड तो मैं फिदा हो गया, 140 km/h के हिसाब से ये गाड़ी दौड़ सकता है। बाकी अगर बात करेंगे इस गाड़ी आपको कहाँ लेना है, बाकी मैं आपको ये एक बार दिखा देता हूँ, ये सामने रहा, सामने एक और बात दिखा देता हूँ, ये तो कोलकाता के टीटागढ़ में है, यहाँ पे आप आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मोबाइल नंबर और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करेंगे इस गाड़ी का फुल फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 15 लीटर वाली फ्यूल टैंक यहाँ पे मिल रहा है। बाकी एडवेंचर 350 का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी थैंक यू आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे, बाकी थैंक यू आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया। वक्त आ चुका है आपसे अलविदा लेने के लिए, फिर वापस आएंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।